हे hey कैंडिडेट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वैकेंसी के साथ। जैसे कि आप मेरे प्रेजेंटेशन स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, जो कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है सीएसबीसी बिहार की तरफ से। ये जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस फॉरमैन रिक्रूटमेंट है, जो कि 2021 में आ चुका है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो टोटल वैकेंसी जो है, आपका जो टोटल पोस्ट है वो 2380 पोस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, जो कि फॉरमैन का पोस्ट है, इसमें आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी का है, जो कि कुल है आपका 957, जिसमें से आपका जो पुरुष का है मतलब मेल का वो 624 है और महिला फीमेल का 333 है। और दूसरी आगे हम बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईबीसी की बात करें, तो कुल जो आपकी रिक्ति है वो 238 है, जो टोटल पोस्ट है, जिसमें आपका मेल का 167 है और फीमेल का 71 है। और नेक्स्ट हम बात करें अनुसूचित जाति की मतलब एससी कैटेगरी की, स्केड्यूल कास्ट की, तो टोटल जो आपकी वैकेंसी है, जो टोटल पोस्ट है वो 378 है, मेल के लिए 237, महिला के लिए फीमेल के लिए 141, और एसटी के लिए पोस्ट है वो है 23, और जिसमें आपका मेल का ही है, इसमें फीमेल का नहीं है, जो कि टोटल 23 है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर ले तो दोस्तों टोटल जो है आपका 419,419 पोस्ट है, जिसमें आपका मेल के लिए 257 है और महिला फीमेल के लिए 162 है। पिछड़े वर्ग की बात कर ले दोस्तों बीसी कैटेगरी की, तो 268 है को टोटल, जिसमें पुरुष के लिए 179 और महिला के लिए 89। पिछड़े वर्ग की महिला जिसमें 97 है टोटल, ये फीमेल के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल पुरुष के लिए 1487 और फीमेल के लिए 893 और टोटल मिला के 2380। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो आप देख सकते हो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट्स के लिए 450 रुपये आपके फ़ीस लगेंगे, और एससी एससी कैंडिडेट्स के लिए जो आपका फ़ी पेमेंट है वो 112 रुपये है, 112। इस तरीके से दोस्तों आप हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 24 फरवरी 2021 से। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट रखा गया है वो है आपका 25 मार्च 2021। फी पेमेंट का भी लास्ट डेट आपका सेम है, और एग्ज़ाम का जो डेट है अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, एडमिट कार्ड भी नोटिफाई नहीं किया गया है, जिसे जल्द ही कर दिया जाएगा। दोस्तों हम लोग एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज लिमिट है वो 1st of August 2020 से देख रहा है आपका, जिसमें मिनिमम एज आपका 18 रहना चाहिए और मैक्स एज आपका 25 रहना चाहिए। इसके लिए आप दोस्तों और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए या एज रिलैक्सेशन से, तो उसके लिए नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसे मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी डिटेल की बात कर ले तो दोस्तों इसमें आपका जो है वो आप 12th पास रहना चाहिए, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए आप, और भी जानकारी के लिए आप डिटेल पढ़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरीके से आप दोस्तों, आपको शॉर्ट डिटेल था, अब मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पे ले जाता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की तरफ से, मतलब बिहार की तरफ से। विज्ञापन में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आपका जो वेतन होगा, आपका जो सैलरी होगा वो लेवल 3 पे बेस है, जो कि 21,700 से 69,100 रुपीज़ तक होगा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सीएसबीसी की तरफ से जारी किया गया है, और इस तरीके से है जो आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, जो पोस्ट है 2380 है। और भी मैं आपको इसमें दिखा दूँ, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, जो आपको बेसिक चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ। लिखा है अग्नि के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं सिंपली, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें अपना यहाँ पे लिख दिया है इसने कि 01/08/2020 के हिसाब से आपका इंटरमीडिएट हो जाना चाहिए, इंटरमीडिएट आपकी कंपलसरी है इस बिहार की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे मैं अगर आपकी बताऊँ उम्र के बारे में बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका 1st of August 2020 के हिसाब से मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 18 से 25,
यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं जो कि बेसिक से डिटेल है, जिसका आप इस नोटिफिकेशन में जाके पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। मैं इसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसे तुरंत पढ़ सकते हो। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, तो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई आपको क्या क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट में आपको शामिल होने के लिए। तो दोस्तों ऊंचाई आपकी मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 न्यूनतम लिखा है दोस्तों, कम से कम इतना रहना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर, आपकी जो सीना है आपका जो चेस्ट है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, जो कि आपका इतना कम से कम रहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81, फुलाकर 86, फुलाने के बाद वगैरह वगैरह दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल लिखे हुए हैं, इसको आप विस्तार से आराम से पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन में नीचे दे दे रहा हूँ। और नियुक्ति की प्रक्रिया आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका प्रश्न पत्र है इसमें क्या क्या होंगे। तो दोस्तों मैं प्रश्न पत्र के बारे में आपको बता देता हूँ, 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। आपका OMR बेस्ड होगा ये पाठ्यक्रम, आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ जो इसमें आपके सिलेबस के जितने भी बेसिक्स हैं उनको बता दूंगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। और भी यहाँ पे बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। द्वितीय चरण भी होने वाला है जिसमें आपका शारीरिक योग्यता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, आपका शारीरिक योग्यता और दक्षता की परीक्षा होगी। दौड़ में आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 50 अंक है और सभी कोटि की अलग अलग टाइप की यहाँ पे जो दे रखी है यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको इससे आगे ज़्यादा कुछ बताने वाला हूँ नहीं। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो डायरेक्ट इसकी साइट पर जा सकते हो, यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसी की पोस्ट की अलग अलग डेटा दे रखी है। और मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको इसकी साइट पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई की प्रक्रिया लिख रही है, पूरी लिख चुकी है, कैसे आपको इस पे क्लिक करना है इस लिंक पे। आप वहाँ पे जाओगे, सब फॉर्म फिलअप करोगे, कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करोगे और आपकी फॉर्म फिल हो जाएगी और आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने सभी भाई और बंधुओं से शेयर करना भूलिएगा मत, क्योंकि वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चलना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वैकेंसीज़ के रिजल्ट्स के एडमिट कार्ड्स के डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम तेज़ी से जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में डिटेल बनाकर यहाँ पे डाल देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका जो भी सुझाव हो वो आप नीचे कमेंट करके कर सकते हैं, मैं उसे कोशिश करूँगा बताने की। दोस्तों अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।